हेलो डियर वंस, कैसे हैं। इस बहुत छोटे से वीडियो में माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही कम समय में मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, आपका टाइम बचे। व्हेन द पोएट्रिस कम्स टू नो, जब कवित्री को पता चलता है, जो कि कमला दास हैं, दैट हर मदर इज अबाउट टू डाई, कि उसकी माता जी अब मरने वाली हैं, और बींग टेरिबली ओल्ड या बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं, शी इज एफ्रेड, वो डर जाती है, दैट हर मदर इज गोइंग टू लीव हर, की अब उसकी माँ उसे छोड़ जाएंगी या छोड़ने जा रही हैं। शी बिकम्स वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी हो जाती है। शी ट्राइज When the poet, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। बहुत छोटे से वीडियो में हम सेंट्रल आइडिया तैयार करेंगे। माई मदर एट 66 का ऑलरेडी लिख दिया है, लिखने में टाइम बच जाएगा, केवल समझाना है, समझेंगे, उसे उतार लेंगे। When the poetess comes to know, जब कवित्री को पता चलता है, जिनका की नाम है कमला दास, दैट की हर मदर, की उसकी माँ इज अबाउट टू डाई, मरने वाली है, और बींग टेरिबली ओल्ड या बहुत बूढ़ी हो रही है, शी इज एफ्रेड, बोथ शॉक में आ जाती है, डर जाती है, दैट हर मदर, की उसकी माँ इज गोइंग टू लीव हर, उसे छोड़ने जा रही है। शी बिकम्स वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी हो जाती है। शी ट्राइज टू डाइवर्ट हर अटेंशन, वो अपना ध्यान बांटने की कोशिश करती है, टू द वर्ल्ड, दुनिया को देखती है, रास्ते में जा रही है ना, तो मदर को छोड़कर फिर वो दुनिया को, पेड़ पौधों को, बच्चों को देखती है। बट शी रियलाइज, लेकिन उसे एहसास हो जाता है, दैट हर मदर वुड डाई सून, की उसकी माँ जल्दी ही मर जाएंगी। शी कीप्स हर सेल्फ काम, अपने आप को वो शांत करती है, एंड गिव्स हर, उसे देती है स्माइल, अपनी मुस्कुराहट। ओनली वॉट, केवल यही चीज़ थी शी कैन डू नाउ, जो अब वो कर सकती है। तो दोस्तों, एक छोटे से वीडियो में सेंट्रल आइडिया कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश वाई एस गोस्वामी।